ये आज अगर समाज एकजुट है, समाज बचा हुआ है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, हम लोगों के बीच में हमारा दिशा निर्देश मार्गदर्शन करने के लिए हम भाग्यशाली हैं कि संत हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में वो व्यवस्था नहीं है कि जहां पर अगर कोई अजन्मा बच्चा पैदा हो तो उसको चर्च में छोड़ाते थे और उसको जो उसको जिसको कहते थे फादर, फादर जो शब्द था वो फादर शब्द निकला कैसे कि जिन बच्चों को कोई क्लेम करने वाला ना हो उनके लिए वो फादर शब्द बना था। हमारे बीच में तो हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर की उपाधि दी गई, हमारे यहाँ तो किसी को माने ही नहीं गया कि वो जो है अनाधिकृत है या वो अमान्य है या असमान्य है। हमारे यहाँ तो जो गुरु की शरण में चला जाता है गुरु सबको अपना लेता है। हमारे यहाँ तो जितने भी आते हैं जो भी श्रद्धा भाव से अपने गुरु के चरण में गया उन संतों ने सबको अपना लिया। और आज गंगा की बात करें तो गंगा पहले से घूमी थी, गाय की बात करें तो गाय को देख लीजिए, पहलू खान का मुद्दा मिल गया कि पता नहीं कितना बड़ा अत्याचार हो गया। केरल के अंदर हिंदुओं को घर से निकाल निकाल के चौक पे काटा जाता है, एक गाय के बछड़े की बलि देके उसका मांस वहां बना के उसका भक्षण और वितरण किया जाता है। क्या ये भारत देश है? क्या ये वही देश है जहां गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास मान के उसका पूजन किया जाता है? आज भी सबसे पहले जो हमारी नित्य कर्म है उसमें गौ के चरण का स्पर्श करना लिखा गया। मनुष्य ये पीड़ा मात्र मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो अपने आप को असहाय महसूस करता है। लेकिन चाहे स्वामी चक्रपाणि जी हो, हमारे संत वृंद हो, मंच में उपस्थित सभी हमारे संत महात्मा हो, लेकिन ये सभी आप ही लोगों के दिल की पीड़ा को समय समय पर मंचों पर आकर, टीवी पर आकर, अलग अलग विभिन्न स्थानों पर आपकी पीड़ा उठाते रहते हैं।